आप देख रहे हैं खबर NDTV, रिश्ता हर खबर से। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष भगवान श्री प्रासर, जो एक ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। अभी कुछ दिन पहले आपके तालपुरा स्टेडियम में एक ब्राह्मण सभा का आयोजन किया गया था, क्यों ये ब्राह्मण सभा एक अखंड क्यों हो रहा है? ऐसा है, कुछ लोग स्वार्थी तत्व हैं जी, और उनका स्वार्थ पूरा होने के लिए वो राजनीतिक दृष्टि से। वही अभी दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में शिव भक्त के एक सेवक जो धार्मिक प्रकृति के हैं, डॉक्टर देवकी नंदन तिवारी, इन्होंने शिव भक्तों के लिए एक बड़ा आयोजन किया है। मेन सड़क पर पंडालों की कतार लगी हुई है, वहीं बगल में काफी पुराना एक धर्मशाला है जहां देवकी नंदन तिवारी ने पूरा शिव भक्तों का भोजन का बने रहने का व्यवस्था किया हुआ है। ये देखिए तिवारी जी से बातचीत करते हैं और तिवारी जी का क्या कहना है, आइए बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर NDTV और मैं इस वक्त हूँ शिव धर्मशाला में, और शिव भक्त आसावन के वक्त अभी कांवर का जो है सो काफी जोर शोर में पंडाल और धर्मशालाएं में वर्क चल रहा है। आइए बात करते हैं तिवारी जी, क्या क्या कर रहे हैं धर्मशाला के अंदर, बताए। हम तो धर्मशाला में जो भी शिव भक्त आते हैं जी, उनको खाना पीना रहना सब प्रबंध किया जाता है जी। खाने पीने के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, फल फ्रूट, सुबह का नाश्ता, शाम का खाना, दोपहर का खाना, भोजन की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, नहाने धोने की सब व्यवस्था की जाती है जी। आइए डॉक्टर तिवारी जी से सुनते हैं इस धर्मशाला का क्या कहना है। ये धर्मशाला कितने साल पुराना है? ये धर्मशाला 40 साल पुराना है। 40 साल पुराना, मतलब तब से आप लोग इस धर्मशाला को जो है इतनी मतलब अच्छा खासा देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि ये धर्मशाला कितने सजी हुई है और कितनी अच्छी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, और ये धर्मशाला में कितने लोग जो है सो मतलब ऐसा लग रहा है कि आलीशान हवेली की तरह लग रहा है। आप बताएं, जो ये धर्मशालाएं जो 38 साल पुरानी है और इस पे आप लोग जो है इतनी जोर शोर से इस पे वर्क कर रहे हैं, क्या खासियत है धर्मशाला में? खासियत धर्मशाला में एक तो जगह बहुत है, रहने की जगह बहुत है, 400 गज में धर्मशाला है जी, 200 गज में इसके बराबर मंदिर है जिसमें सभी भगवान जी सभी देवताओं की मूर्ति है। देखते रहिए खबर NDTV, रिश्ता हर खबर से।